अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है आलू की ताहरी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलें हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें, नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर और आधे किलो चावल मैंने धो के भिगो लिए हैं, दो दरमियाने आलू कट करके रखे हैं, दो दरमियाने टमाटर, चार से पाँच अदद हरी मिर्चें, एक दरमियानी प्याज बारीक चॉप, दो चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चमचा साबुत गरम मसाला और कुकिंग ऑयल। चूल्हे पे ऑलरेडी मैंने पतीली रखी हुई है, हम चूल्हा जला लेते हैं। अब पतीली में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमें आधा कप डालना है पतीली में। आधा कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद एक दो सेकंड हम कुकिंग ऑयल को वेट करेंगे कि थोड़ा गर्म हो जाए, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने बारीक चॉप की करके रखी थी वो, और गरम मसाला साबुत। गरम मसाले में मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, चार से पाँच अदद काली मिर्चें, चार से पाँच अदद लौंगे, साबुत इलायची बड़ी वाली और एक तेज़पात और एक दालचीनी का छोटा दरमियाने साइज़ का टुकड़ा। हमें प्याज को इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, तो हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। प्याज फ्राई हो चुके हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेते हैं, साथ ही हम टमाटर भी ऐड कर लेते हैं जो हमने कट करके रखे थे, और हरी मिर्चें भी। एक दो मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक हदवे जायका। आप लोगों को जितना नमक पसंद है आप उतना ऐड कीजिए, ठीक है। तो हदवे जायका नमक ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे डेढ़ चमची हल्दी, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये सब चीज़ मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो है टमाटर भी डिज़ोल्व हो जाए। तो हम इस 3 से 4 मिनट भूनेंगे, तो इस दौरान हम 2 चमचे 1 चमचा पानी बीच में डाल के इसको भूनते रहेंगे ताकि टमाटर भी डिज़ोल्व हो जाए और मसाला भी भून जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलूओं को 1 मिनट बस मसाले में भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम मसाले में इसको अच्छे से, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, 4 कप पानी ऐड करेंगे। और 4 कप पानी डालने के बाद तेज़ चूल्हा करके इसको हम जो है उबाल आने का वेट करेंगे पानी में। तो जैसे ही उबाल आने लगेगा तो हम चूल्हा दरमियानी करके आँच को और इसको ढक देंगे। इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट वेट करेंगे कि आलू गल जाएं। 3 से 4 मिनट बाद आलू गल चुके होंगे, हम चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट इतने हल्के से कच्चे होने चाहिए क्योंकि राइस के साथ भी ये फिर कुक होंगे, गलेंगे, तो अगर हम ज़्यादा टाइम दे देंगे तो फिर वो लई हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे, मैशी से हो जाएंगे। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे उनको ऐड कर देंगे, आधे किलो चावल मैंने 15 से 20 मिनट भिगोए हैं पानी में वॉश करके, तो अब हम वो ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चावलों को मसाले में, ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं, और फिर तेज़ आंच पे ही हम पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। अब पानी ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, तो इस स्टेज पर आप देख लीजिएगा बिल्कुल हल्की सी बारीक कसर होनी चाहिए। अब हम दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, 3 मिनट का दम बहुत है क्योंकि वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं राइस। तो 3 मिनट दम देने के बाद हम चेक करते हैं, हमारे राइस बिल्कुल डन हो चुके हैं। हम
मिक्स करते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं राइस को थोड़ा थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल इसी कंडीशन में, इसी परफेक्ट जो है हमें चाहिए। बट मैं आपको चेक करके, ये वैसे डन हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये चावल जब आप फिंगर्स से मैश करेंगे तो ये बिल्कुल मैश सॉफ्ट मैशी हो जाएंगे, तो इट मीन्स ये डन हो चुके हैं। अब हम प्लेट्स में निकाल लेते हैं, तो ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।